सुबह नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों पर उठाया बड़ा कदम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। हरियाणा के सिरसा जिले में विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा की गाड़ी पर रविवार को हुए हमले पर हरियाणा सरकार ने बड़ा संज्ञान लिया है। सरकार ने सोमवार देर शाम सिरसा एसपी को बदल दिया है। आईपीएस अर्पित जैन को सिरसा का नया एसपी बनाया गया है। सिरसा के पुलिस अधीक्षक एचपीएस भूपेंद्र सिंह का तबादला आईआरबी बोर्ड से किया गया है। अर्पित जैन अभी डीसीपी बल्लभगढ़ और फरीदाबाद मुख्यालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बता दें कि रविवार को सिरसा में किसान आंदोलनकारी ने डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर डंडों पत्थरों से हमला कर शीशे तोड़ दिए थे। हमले में डीएसपी समेत 8 पुलिस जवान घायल हो गए थे। डिप्टी स्पीकर ने सुरक्षा घेरा टूटने की जानकारी मनोज यादव को दी थी। इससे सरकार एसपी की कार्यप्रणाली से खुश नहीं थी। सोमवार को आईजी ने सिरसा पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट सरकार को दी। उसके बाद देर शाम गृह विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा ने आदेश जारी कर एसपी को हटा दिया। सिरसा पुलिस ने इस मामले में किसान नेता प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा हरचरण सिंह समेत 100 किसानों पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। सिविल थालाइन थाना पुलिस ने जिला कल्याण अधिकारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुशील कुमार की शिकायत पर किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि भाजपा कार्यकारिणी की बैठक सीडीएलयू में थी। बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा, सांसद सुनीता दुग्गल, भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल चौटाला व अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। किसान भाजपा नेताओं का विरोध करने सुबह से ही काले झंडे लेकर सीडीएलयू के तीनों गेटों पर धरना देकर बैठ गए। बैठक समाप्त होने के बाद प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सीडीएलयू से बाहर निकलती विधानसभा उपाध्यक्ष की गाड़ी पर डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। घटना में विधानसभा उपाध्यक्ष की गाड़ी के दोनों शीशे टूट गए, हालांकि वह बाल बाल भी बच गए। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।